से लेके गाड़ी चला रहा हूँ मॉर्निंग के साथ, रात के 2 बज गए यानी कि 12 6 18 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। सुबह उबल आते आते ना लास्ट में निकालते पैच यही रहेगा, ये बहुत खतरनाक लैंड स्लाइड है, देखो यहाँ पे पूरी रोड खराब होती है। तो ये करीब पूरा 300 मीटर रोड खराब है और पूरा भयंकर दल्ला दल्ला है। तो धूल की वजह से इतनी भयंकर धूल है, धूल की वजह से रोड ही दिखाई दे रही है ना ऐसे कहते हैं। अभी क्या है, जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा वाला, हल्के हल्के गाड़ी चल रही है, बीच में तो बहुत देर तक मुझे रुकना पड़ा, करीब 15-20 मिनट। तो यहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी और ये है होटल ड्रीम लाइट, स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 2 लेक साइड रोड पोखरा। तो मतलब काफ़ी सस्ते रूम है यहाँ पे, तो आप यहाँ से रूम काफ़ी खूबसूरत है, मैंने आपको पहले दिखा दिया था रूम। तो ये है यहाँ पर के जो इंचार्ज हैं होटल के, हेलो होटल ड्रीम लाइट के इंचार्ज। अपना फ़ोन नंबर बता दो ज़ोर से ताकि जो लोग आएंगे ना वो आपको फ़ोन करेंगे डायरेक्ट। हाँ 9864899886। हाँ ये इनका फ़ोन नंबर है, नेपाली नंबर है ना, नेपाली नंबर है। हाँ बस तो इनके पास आना, इनको फ़ोन करना और मेरा नाम भी बताओगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे मेरे नाम पे, ठीक है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम उमेश उपाध्याय, वैसे हाँ वैसे आदि ब्लॉग्स। हाँ तो कैसा लगा पोखरा? बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। हाँ, आपको कैसा लगा पोखरा? बहुत बढ़िया। तुमको कैसा लगा पोखरा? बहुत बढ़िया लगा ना। तो हम लोग कर रहे हैं पोखरा से इंडिया को निकल रहे हैं, अब यहाँ से काफ़ी खूबसूरत शहर था, आप भी आइए। इससे पहले वाला ब्लॉग देख लेना, उसमें पूरा पोखरा विजिटिंग प्लेस का मैंने बनाया हुआ है, तो उसको देख के आपको सहूलत मिल जाएगी। तो होटल चेकिंग करने के बाद शहर के अंदर लगा था बहुत ज़्यादा जाम, तो वहाँ का हमने ब्लॉग बनाने और वहाँ गए हम क्लीन रोड पर। अभी हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से पोखरा से बुटबल, मतलब पोखरा से बुटवाई रोड हमने पकड़ की है, जिससे हमको पोखरा से सलोनी बॉर्डर आके गर्लफ्रेंड, ठीक है मेरी बचपन ने खोई सोनाली, तो सलोनी जो क्या सुनौली ना सुनौली ना सलोनी नहीं सुनौली, तो सुनौली जो बॉर्डर है वो आपके करीब 170 किलोमीटर है पोखरा से, तो वो बुटबल वाले रास्ते, बाकी वाला ये रास्ता शॉर्ट है। अभी तो फिलहाल रोड सही मिल रही है, तो हम लोग हाँ अभी मतलब काफ़ी अच्छी मिल रही है, अगर ऐसी रोड पूरी होगी तो हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी एक प्रॉब्लम ये है कि अभी दिन के बजे हैं करीब 1:30, तो दिन के 1:30 बजे हुए हैं और हम लोग को शाम के 6 बजे तक हम लोग को सुनौली बॉर्डर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हमको बॉर्डर क्रॉस करना है, 6 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है। ऐसा कोई बोल रहा था, कोई कह रहा था कि 8 बजे बंद होता है, कोई कहता 10 बजे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हैं उनकी मुँह की, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अभी हम लोग चल सोच रहे हैं कि अगर दिन के 2 बजे हम लोग निकल लें तो 4 या 5 घंटे में ये दूरी तय हो जानी चाहिए, और अभी जो है लंच भी करना है कहीं पे, तो इसलिए हम लोग अभी मतलब सोच रहे हैं कि आज ही आज रात ही रात लखनऊ पहुंच जाएं, क्योंकि एक बार बॉर्डर क्रॉस हो गया ना उसके बाद प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, एक बार नेपाल हम लोग से इंडिया पहुँच जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी रात की। लेकिन अभी नेपाल में है तो अपनी अपने देश की धरती नहीं है ना, है तो पड़ोसी मुल्क और बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन जो भी है अपने तो विदेशी होता है, अपना देशी होता है, तो हम लोग को क्रॉस करना है फिलहाल आज बॉर्डर, मतलब 6 बजे से पहले, तो देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या इमरजेंसी रहेगी। लेकिन आप फिलहाल रोड देखिए, रोड है अभी काफ़ी अच्छी है।빨리 널 잊어야만.
추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe fine hey, hey, yeah, yeah. कच्चा बादाम सुना आपने कच्चा बादाम गाना हर उसमें बना हुआ है हर क्या बोलते हैं हर मतलब हर लैंग्वेज बन गया हिंदी हरियाणवी पंजाबी नेपाली अब मैं नेपाली पहली बार सुन रहा हूँ अब सुनो नेपाली ये देखिए ये है नेपाली वाला कच्चा बादाम हमने सोचा कि अभी कच्चा बादाम हमने गाना सुना मैं क्या ऐसा क्यों बोलने लग गया ना कि हम लोग का नेपाल का लोग लग के यूट्यूब ने डाल दिया हमारे उसमें कच्चा बादाम का गाना ये वाला नीचे का आप नज़ारा देख रहे हो बिल्कुल नीचे घाटी में नदी बह रही है लोग वहाँ नहा रहे हैं मेरा मन भी कर रहा है लेकिन ये लोग मेरे को नहाने नहीं देंगे जाऊँ पक्का यहाँ से बहुत जाने का टाइम लगेगा लेकिन ना नीचे तक वहाँ देखो कितना अच्छा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है और हम बैठे हैं लंच करने के लिए इस जगह का नाम क्या है हाँ इस जगह का नाम क्या है सेंजा यहाँ बैठे हम लोग लंच करने के लिए Do you want to know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love. To give something's telling me it's right when you came to me oh I knew it's you yeah boy the one who showed me now and forever no you'll never be alone again all day oh yeah all day please stay in my तो गाड़ी जा चला के आने लगी है नींद में को गोल्डन बीबी के जा रहा हूँ काम पीछे वाला जो जंगल है वो काफी खूबसूरत है थोड़ा हवा और पानी आएगा बड़ा अच्छा है तो उसी पे मतलब व्यू देखते हुए निकल रहे हम लोग थोड़ी रोड की कंडीशन मतलब ठीक है इतनी अच्छी भी नहीं है मतलब हम इसको मतलब 80-100 में से 80 नंबर देंगे रोड को ड्राइविंग के लिए अरे निहारी का देखो क्या क्या किया हुआ है देखो वहाँ से फूल लेके आई है ये फूल लेके आई हुई है तोड़ के वहाँ से तीन फूल तोड़े पूरे ये फूल होता है धतूरे का जो हमारे यहाँ कल को उसका सोमवार का व्रत है ना तो इसने आज ये फूल तोड़ दिया क्या संडे है और अभी तानसेन है करीब 25 किलोमीटर मैंने भी कितना किलोमीटर है अभी टाइम हुआ है करीब शाम के 4:30 हुए और हम लोग को 6 तक तो बॉर्डर क्रॉस करना था ताकि हम मतलब रात में क्योंकि अभी गाड़ी और चलानी वहाँ से भी सुनौली बॉर्डर से लखनऊ तक वहाँ से भी 325 किलोमीटर पूरा है डिस्टेंस देखो क्या होता है लेकिन रास्ता बड़ा खूबसूरत रास्ता देखोगे ना अब तो मज़ा आ जाएगा Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. तो ये करीब पूरा 300 मीटर रोड खराब है पूरा भयंकर दलदल है
तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल ऐसे चलानी पड़ रही है, बिल्कुल मैंने स्टीयरिंग को फ्री कर दिया, गाड़ी जहाँ जाए जाए, एक्सीलेटर छोड़ दिया, हल्के हल्के धीरे बढ़ रही है गाड़ी आगे। तो धूल की वजह से, इतनी भयंकर धूल है, धूल की वजह से रोड ही दिखाई दे रही है ना ऐसी कंडीशन। अभी क्या है, जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा वाला, हल्के हल्के गाड़ी चल रही है, बीच में तो बहुत देर तक मुझे रुकना पड़ा, करीब 15-20 मिनट, और शाम के बज गए 6। सुनोली बॉर्डर अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, अभी तो बुटबल भी नहीं आया हुआ, अभी हमें क्या होता कि ऐसी रोड होगी आगे, मुझे आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं खाली अनुमान से गाड़ी चला रहा हूँ, बस हो गया। अब जाके थोड़ा ट्रक दिखाई दिया यार, देखिए ऐसी कंडीशन है भैया, अब पता रोड के कट्टे भी पता चल रहे हैं आगे, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन पता चल रहा है क्या, एक ट्रक चल रहा है बस ही दिखाई दे रहा। तो चलते चलते बुटबल से थोड़ा पहले पहले हम लोग को मिला है ये वाला व्यू, देखो ना, तो एक फूल मिला है, निहारिका बोली फोटो खींचने जाती हूँ यहाँ पे, और फिर पापा बोलने लग गए मैं भी आ रहा हूँ, तो पापा को क्या हो गया कि वो थोड़ा मोशन सिकनेस हो गई है, गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी थोड़ा तेज चला रहा था। नीचे नदी है बहुत खूबसूरत, और ये वैली मस्त करके, ऐसे बहुत सारे पुल हैं नेपाल में, मतलब ऐसे रोड पार करने वाले, पर हम सोचते थे कि आने के लिए लेकिन आ नहीं पाए ना वहाँ पे। मजा आ रहा है, शाम हो गई है तो मम्मी कर रही है हनुमान चालीसा, अभी वो ट्रैफिक से हमको थोड़ी निजात मिली हुई है, रोड तो कंडीशन भी खराब ही है, ये जो मैं बोलता ना ये टेम्पो, यहाँ पर टेम्पो टोयोटा का ये हाई एस चलता है, हाई एस, तो यहाँ पर देखिए एक मंदिर बना हुआ है, काफी खूबसूरत मंदिर है। अरे अभी नहीं, हमको देर हो जाएगी, देखिए मम्मी मंदिर कितना सुंदर है, श्री सिद्ध, श्री सिद्ध बाबा का मंदिर है यहाँ पे, बुटगल, बुटगल अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, बुटगल मुश्किल से अभी 5-6 किलोमीटर और बचा होगा, उस हिसाब से उसके अगला से बुटगल है, तो बुटगल के आगे श्री सिद्ध बाबा का मंदिर है, मुझे बाबा रक्षा करना हमारी, हमको आपने टाइम पे उतार दिया यहाँ पे, ये देखो होता है ये क्या बोलते हैं यूपी की बहुत सारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। जय हनुमान जी की जय। तो हो गया बुटबल क्रॉस, ये देखिए ये एरिया है लुम्बिनी सिद्धार्थ नगर वाला, मतलब जो बुटबल क्रॉस करके हम जैसे जाते हैं ना सीधे सुनोली बॉर्डर की ओर को, तो ये है काफी खूबसूरत, पता देखिए अभी रात में, उस दिन हम लोग दिन में ही निकले थे, दिन में पता चला था, रात में आप देखो ना हर स्ट्रीट लाइट पूरी जली हुई है, सारे के सारे स्ट्रीट लाइट में लाइट लगी हुई है, जो किनारे किनारे पेड़ है उनमें भी लाइट लगी हुई है, तो ये है पूरा, ये लुम्बिनी हिमरी पास में है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और साथ साथ सिद्धार्थ नगर भी है जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था, चार जो उपदेश दिया था वो था एक बोध गया और आपका सारनाथ, कुशीनगर और सिद्धार्थ नगर, तो चारों जो शहर हैं ये तीन इसमें पड़ते हैं आपके यूपी के अंदर पड़ते हैं, और एक मतलब सारनाथ पड़ता है बनारस में, और कुशीनगर और सिद्धार्थ नगर पड़ते हैं नेपाल में, और साथ में आपका जो बोध गया है वह है बिहार में, चार जगह आप उनको उन्होंने उपदेश दिया था, तो इसलिए चार शहर जो है तो फेमस है भगवान बुद्ध के लिए, तो आप यहाँ भी आके एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने सोचा कि वापस अगर आप आएंगे तो अगर हम वापस अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग लुम्बिनी घूमेंगे, लेकिन हम लोग को क्या हुआ आज हो गया आने में लेट, फिर पोखरा से हम लोग बहुत देर बाद निकले थे, साथ साथ में वहाँ से देर में निकले थे, हमने सोचा कि यहाँ फिर यहाँ जाम लग गया पीछे, अगर हम यहाँ पर शाम के 5 या 4 या 5 बजे तक पहुँच जाते तो हम लुम्बिनी घुमाते और आपको भी दिखाते, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ये बिल्कुल पास है लुम्बिनी तो हम कभी भी आ सकते हैं, फिर दूसरा ब्लॉग बना लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को करना है बॉर्डर क्रॉस, शाम के 6:30 बज गए हैं, अभी ये नहीं मालूम उनको कि ये 6 बजे अगर भंसार शाम के सुबह के 8 बजे से बनना स्टार्ट होता है तो बॉर्डर कितनी देर पर तक हो जाता है ये नहीं मालूम, बहुत सारी गाड़ियाँ अभी सब लोग तेज तेज चल ही रही हैं, मोस्टली मतलब जितनी गाड़ियाँ आई है इंडिया से सब लोग तेरे चला रहे, तो मैं भी तेरे चला रहा हूँ कि भैया, क्योंकि वहाँ सामान चेक कराने वाला भी कोई प्रोसीडर है अभी नेपाल से वापस जाते वक्त, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो कितना खूबसूरत गेट है, कितना प्यारा लग रहा है ना, यही होता है मतलब जो जो जो, जो एरिया बौद्ध धर्म से मतलब इंस्पायर होता है, देखो उसमें दो आंखें बनी हुई है बहुत प्यारी प्यारी, कितना प्यारा गेट लग रहा है, इतना सुंदर गेट हो आप, महात्मा बुद्ध का दोनों मूर्ति लगी हुई है और गेट काफ़ी सुंदर है, ऐसे गेट अगर मिल जाए ना पूरे शहरों के अंदर तो मजा ही आ जाए, ये वही एरिया है जहाँ पर प्रथम थे
तो सामने वाले गेट, सामने वाला गेट है इंडिया का, तो उस पर लिखा है भारत आगमन पर आपका हर स्वागत। तो हम लोग अपने विदेश घूम के पहुंच गए हैं स्वदेश। अब यहाँ पर थोड़ा सामान चेक करवाएंगे, उसके बाद आगे का रास्ता आपको बताते हैं। तो स्नो ही बॉर्डर से हम लोग ने जो रास्ता लिया वो लिया बस्ती वाला, नहीं हम लोग आए बस्ती होते हैं, हम गोरखपुर होते नहीं है, लेकिन वो रास्ता भी अच्छा है अगर आप रात को वहाँ से आओ, क्योंकि गाँव के अंदर जाता है। तो अभी रात के टाइम में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था उस रास्ते में, और अमूमन डेढ़ घंटे में मैंने बस्ती पूरा क्रॉस किया था। 90 किलोमीटर है बस्ती, वहाँ से हमने पूरा डेढ़ घंटे में मतलब करीब बस्ती हमने पूरा क्रॉस किया है। बस्ती क्रॉस के करीब 12-13 किलोमीटर हो गए हैं बस्ती रह गया पीछे। तो जो भी हमने रास्ता तय किया ना वो मतलब गोरखपुर वाले रास्ते से, मतलब वैसे रोड कंडीशन में तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपका समय भी बचाएगा अगर आप रात के टाइम पे वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोगों ने जब जिस दिन गए थे उस दिन रात को ट्रैवल किया सुनहरी बॉर्डर के लिए, और आज भी सुनहरी बॉर्डर से हमने इधर को मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तो सोचिए 90 किलोमीटर की दूरी मैंने डेढ़ घंटे में क्रॉस की हुई है सुनहरी बॉर्डर से लेके बस्ती पूरा पार कर लिया डेढ़ घंटे में। अभी तक अभी रुके हैं यहाँ पर फैजाबाद हाईवे पे के किनारे खाना खाने के लिए, वो भी वहाँ पर रुके हुए हैं, गजानन ढाबा है कोई इस नाम से। तो वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि एक्चुअली ट्रक वाले यहाँ पर खाना खाते हैं ना, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ना खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। कभी आप ट्राई करना जहाँ पर ट्रक रुके थे वहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, और फैसिलिटी आपको पूरी मिलती है। वहाँ पर चारपाई लगी रहती है, अगर कमर ज़्यादा दर्द होगी तो कमर में आराम से ले भी सकते हो। अभी यहाँ से लखनऊ की दूरी है करीब 170 किलोमीटर, और तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी करीब रात के 10:30 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से रात के 1-2 बज जाएगा हमको यहाँ से खाना खा के वहाँ। डिनर आ चुका है, देखिए हमने ऑर्डर किया है पनीर, तो हमने ऑर्डर किया है पनीर दाल और रोटी। देखो भूख गए लोग, ये सब लोग भूख गए हैं, ये भूख गए। मॉर्निंग में 6 बजे से लेके गाड़ी चला रहा हूँ, मॉर्निंग के साथ रात के 2 बजे यानी कि 12-18 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। सुबह उठ गया था मैं सुबह 4 बजे से जगा हूँ, आँखें अब धीरे धीरे बंद होती आ रही है, दिमाग है ना सो रहा है, आँखें तो खुली है दिमाग सो रहा है। तो निहारी का मैंने काम दिया है क्या कि ये जैसे ही मतलब मैं अगर बोलना बंद करूँ, मैंने बोला कि मैं बोलते रहूँगा ऐसे मैं बोलना बंद करूँ तो तू हाथ में पानी लेना और छाप से मेरे मानो। तो अभी ये कर दिया, देखो मिट्टी सब पूरी गीली होगी ना, अभी ये कर दी जैसे ही मेरे को हल्की नींद आ रही है तो सब से मेरे को मारी हो कि मुझे करीब अभी आधे घंटे गाड़ी और चलानी है तो हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज मतलब रिकॉर्ड हो गया, एक तो किलोमीटर के हिसाब से देखें तो मैंने पूरा 700-750 किलोमीटर गाड़ी तय की, और अगर पैदल देखें उसी में ही मतलब तो पैदल जो चलाऊँगा तो करीब 4-5 किलोमीटर पैदल चलाऊँगा, ऐसे करके पूरा हो गया, जो कि पूरा शरीर थका हुआ है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही। ऐसी थोड़ी मेरे मेहनत करनी पड़ती है तभी आदमी यूट्यूबर बनता है नंबर वन, तो कर रहे हैं मेहनत करते रहेंगे ऐसे। घर जाके मिलते हैं आपसे दोबारा। आखिरकार हम लोग अपने सोसाइटी में पहुंच ही गए भाई, इतनी थकान हो रही थी ना, अच्छे आ रहा है तो आके भी कोई बंद थी, लास्ट में पहुंच ही गए। अब इसको भी जगाएंगे नीचे सिक्योरिटी गार्ड को, भैया खोल दो दरवाजा। सब मिलते हैं आपसे रूम पे जाके, पहले सारा सामान निकालना है।